हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ MPPSC, UPPSC, SSC, KVS, NVS, CTET सभी एग्जामों को क्रैक करने के लिए सिर्फ एक ही सीरीज़, 1 मिलियन GK क्वेश्चन की सीरीज़ इन हिंदी। YouTube पर पहली बार आप लोग देख रहे हैं, इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपको प्री निकालने से तो कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, श्योरिटी है। और अगर आप लोग कर रहे हैं MPPSC मेंस की तैयारी, UPPSC मेंस की तैयारी, CTET की तैयारी, KVS की तैयारी, NVS की तैयारी, तो हमारे चैनल पे विजिट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको आपके काम की वीडियोस मिल जाएंगी, तो एक बार ज़रूर प्लीज़ हमारे चैनल पर चक्कर लगाइएगा आप लोग। तो जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज की 1 मिलियन सीरीज़ में कौन से क्वेश्चंस हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं। हम लोग देखते हैं आज भारत में परिवहन के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहला फैक्ट है आज का, केंद्रीय सड़क निधि का गठन हुआ था 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 में। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का गठन जो हुआ था वो अक्टूबर 1966 में किया गया था। देश में सड़कों की कुल लंबाई 48.65 लाख किलोमीटर है और जो कि विश्व में हमारा दूसरा स्थान है। देश में कुल 292 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी संख्या 1 से लेकर 235 तक तथा लंबाई 92,851 किलोमीटर है। ये लंबाई का फैक्ट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, राजमार्गों की संख्या और उनकी जो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग है वो याद करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। तो देश में सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH7 है और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है 47A। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड टैंक रोड या कोलकाता से अमृतसर चलती है, जो ग्रैंड टैंक रोड होती है, और कहा जाता है इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ग्रैंड टैंक रोड जो है वो बनारसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली और अम्बाला से होकर गुजरती है। सड़कों की जो सर्वाधिक लंबाई है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है और सड़कों की न्यूनतम लंबाई है वो सिक्किम में पाई जाती है। सर्वाधिक सड़क जो घनत्व है वो गोवा राज्य का है और न्यूनतम जो सड़क घनत्व है वो जम्मू कश्मीर में रहता है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जो राज्य है वो हमारा उड़ीसा है और रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। भारत के लक्षद्वीप में जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर सड़कें नहीं हैं। भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी वो 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 को की गई थी और जिसका विलय 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था। एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1953 ईस्वी में। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1985 में। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 में स्थापित हुआ था। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस A380 है। कोच्चि जो कि नेंदु बसरी का हवाई अड्डा है, भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। विश्व का पहला जो बड़ा यात्री विमान एयरबस A380 है, ये सब हमने देख लिया। भारतीय जहाज रानी जो है वो के जो बेड़े हैं वो इस दृष्टि से विश्व में 17वां स्थान और एशिया में दूसरा स्थान है भारतीय जहाज रानी का। भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह है। देश का सबसे जो बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई है और मुंबई में नावा सेवा जो है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, देश का नवीनतम बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना और कृत्रिम जो बंदरगाह है वो चेन्नई है। मुंबई और कोचीन के जो बंदरगाह हैं वो प्राकृतिक बंदरगाह हैं। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है, प्राकृतिक इनमें से बंदरगाह कौन सा है, रासायनिक बंदरगाह कौन सा है, गहरा बंदरगाह कौन सा है, इस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के पास। पहला जो रासायनिक बंदरगाह है वो दाहेज गुजरात है।
देश का सबसे बड़ा जो गहरा बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम है। बड़ा पृष्ठ वाला बंदरगाह जो है वो कोलकाता है। देश का जो प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह है वो कामराज है, जिसका पुराना नाम एनोर था, वो चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय प्रतिरक्षा के, भारतीय रक्षा के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन आता है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री हैं बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया था, दक्षिण में जो कि जिसका मुख्यालय पुणे में है, मध्य में जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, पूर्व में जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, उत्तर में जिसका मुख्यालय उधमपुर में है, पश्चिम में मुख्यालय चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम मुख्यालय शिमला, तथा प्रशिक्षण कमान जो है जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है थल सेना का, उसका मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ या थल सेनापति KM करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मालिक शाह। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं और नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA जो कहलाता है, खड़गवासला में, वायुसेना की एकेडमी हैदराबाद में और भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी देहरादून में तथा इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में स्थित है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है, दक्षिण में कोची, पूर्व में विशाखापट्टनम और पश्चिम में मुंबई। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी थे 1958 में। भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में, जो 7 कमांडो में बांटा गया है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एमहर्स्ट था, जो प्रथम एडमिरल था थॉमस एमहर्स्ट। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे 1954 में। वायुसेना का जो ध्येय वाक्य है, नभः स्पर्शम दीप्तम, तथा नौसेना का है शम नो वरुण है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे नवंबर 1947 में। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, और वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको लर्न करनी पड़ेंगी इसे। भारत में बनी पनडुब्बी का नाम INS शाल्की था। स्वदेशी डिजाइनर, स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। भारत में बनने वाला प्रथम युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, तथा नौसेना का सबसे पहला नाम था रॉयल इंडियन मेरीन। आज हम बात करते हैं भारतीय बैंकिंग के क्षेत्र में कब से इसकी शुरुआत हुई और आज के सिनेरियो में क्या इसका योगदान है। तो चलिए देखते हैं। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 ईस्वी में बना था। सीमित देयता के आधार पर भारतीय जो बैंक था वो सीमित देयता, मतलब कम इसमें पूंजी लगी थी, वो था अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक था 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे ओसबान स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख, तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थी KG उदेशी। अभी कोई भारतीय बैंक
जो रिजर्व बैंक की है, कोई पहली भारतीय महिला गवर्नर नहीं बनी है अभी तक। केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना हुई थी 1931 में। 1921 में तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, और जिसकी अनुशंसा गोरेगांव गोरेवाला कमेटी ने की थी। SBI के सहयोगी बैंकों की संख्या 5 है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है SBI। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। और दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 15 अप्रैल 1980 को अन्य 6 बैंक व्यापारी बैंक जिनकी सीमाएं 200 करोड़ से अधिक थी, इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में, दूसरा 1980 में, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की जो संतुति की थी वो हजारी समिति ने की थी इंदिरा गांधी के समय। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा जो RBI के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 है। देश का पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। देश में सर्वाधिक शाखाएं SBI बैंक की हैं। भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं UK में तथा भारतीय बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक शाखाएं विदेशों में हैं। देश का पहला भारतीय महिला बैंक जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, किसकी स्थापना हुई थी 19 नवंबर 2013 इंदिरा गांधी के बर्थडे के दिन मुंबई में हुई थी, और इसका प्रथम प्रबंधन जो निदेशक थी वो थी उषा आनंद सुब्रमण्यम, और इसको बाद में SBI में इसका विलय कर दिया गया है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित जो समिति थी वो थी गोईपोरिया समिति। तो आज ख़त्म होते हैं हमारे ये फैक्ट्स जो हमने किए थे, ऑलमोस्ट 100 फैक्ट्स आज हमने कवर किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी और हम फिर से लेकर आएंगे 1 मिलियन GK क्वेश्चन की सीरीज़ हिंदी में। तो स्टे ट्यून विथ अस, प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।